हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो अभी हम ज़ियारत से वापस आए हैं, बट ये कहानी है ज़ियारत जाने की, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिब्बी में और हम जा रहे हैं ज़ियारत। मैंने अपनी ज़िंदगी के कई दिन 40 से लेकर 52 डिग्री की सख्त तरीन गर्मी में गुजारे हैं, बट मैंने कभी टेम्परेचर को माइनस में एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। सो इस दफ़ा हम ज़ियारत जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम देखेंगे कि माइनस में टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करना कैसा रहता है। बाय द वे, वी आर इन लव विद भोला। इस वक्त हम क्वेटा में आए और मौसम टेम्परेचर इस वक्त 0 डिग्री है और हम चाय एंजॉय करने आए हैं, चाय पीने आए हैं। यहाँ पे स्पेशल चाय दूधपति यहाँ पे क्वेटा का बनता है, चाय का मजा लेने आए दोस्तों के साथ। सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़े पहाड़ों को देखने का शौक कुछ इतना था कि पहले तो हमने सोचा कि हम डायरेक्ट ज़ियारत चले जाएंगे, बट रात को हमें लेट हो गई, सो इस वजह से हमने रात को क्वेटा में स्टे किया और सुबह हम निकले ज़ियारत के लिए। माशाल्लाह से हम तकरीबन ज़ियारत पहुंचने वाले हैं। 20 मिनट का फासला है और अभी से यहाँ पर खून जमा देने वाली सर्दी है और ये सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये एक डैम है ज़ियारत में। ओ लियाकत गिर गया, ओ लियाकत, लियाकत लियाकत इधर देखो। क्या हुआ? चोट लगी यार बड़ी जोर की। ये भाई साहब गिर गए बदकिस्मती से, वो सीन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वाह, प्लीज एक दफा और गिरो बाबा, इसको नहीं उठाओ। माशाल्लाह से हम ज़ियारत पहुंच चुके हैं अब, और वैसे हमारी तैयारी थी कल के हम दोपहर के 2 बजे हमें यहाँ पे ज़ियारत पहुंचना था, लेकिन अभी इस वक्त शाम के 6 बजने वाले हैं। सो अभी हम ज़ियारत पहुंचे हैं। सो उम्मीद है दो दिन तक हम यहाँ पे स्टे करेंगे और बहुत अच्छी तरह से सर्दी का मज़ा लेंगे इंशाल्लाह। जी जी बोले आप। सो यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं इस रेस्ट हाउस में। ठंड बहुत नहीं है भाई, ठंड बहुत ज्यादा है। कुकिंग का सामान लेके आएंगे, हमने अपना किचन भी लिया ले लिया है और खुद कुकिंग करेंगे। ये हमारा है शेफ, शेफ अली। हाय पार्क बंदा। क्या कौन से हॉस्पिटल से ये लेकर आए हो मास्क? ठंड है, जो भी मिल जाए गुजारा कर लो। अली कहाँ जा रहे हो? ज्यादा है अभी हम जा रहे हैं राशन वगैरह खरीदने, कुकिंग वगैरह करेंगे अपनी। कुकिंग के सामान लेके आएंगे ना, लेके आएंगे फिर पकौड़े बनाएंगे अंकल और फिर चावल बनाएंगे। अंकल कहाँ पर है? अंकल आ रहे हैं, वो गाड़ी में कुछ अपना सामान भूल गए थे। फिर वो भाई ये कौन है? कौन ये कौन है? ये हमारे साथ ये कौन है? भाई भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना ज्यादा सर्दी है, हम बस फिर भी हमें ठंड लग रहा है। काम पर है जितना हमने खुद को प्रूफ किया है, बहुत ज्यादा सर्दी है भाई, मेरा तो आवाज भी नहीं निकल रहा है। फिर भी भाई के काम पे टांग रही है।
-10। रात में -10 से लेकर -13 डिग्री की सर्दी को एक्सपीरियंस करने के बाद हमने सुबह को ज़ियारत की खूबसूरती को थोड़ा और एक्सप्लोर किया। शाम को हमें क्वेटा के लिए निकलना था मगर हमारी एक गाड़ी ख़राब हो गई। मगर वो कहते हैं ना, आप ज़िंदगी में कहीं पर भी जाएं, चाहे वहाँ जाकर आप बेइंतहा लुत्फ़अंदोज़ हो या फिर वहाँ जाकर आपको कई मुश्किलात का सामना करना पड़े, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है और शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। कैसा रिया?